हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा मैम आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 8 हिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसकी पार्ट टू को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट वन में हमने इस चैप्टर के हाफ पार्ट को कवर किया था। आइए सबसे पहले उस हाफ पार्ट को रिकैपिचुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो रिकैपिचुलेशन ऑफ पार्ट वन, तो हमने पार्ट वन में देखा कि औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर और उनकी डेथ होती है 1707 में। और औरंगजेब के डेथ के बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से मुगल एम्पायर जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, किस तरह से मुगल गवर्नर्स या फिर बिग जमींदार जो है अपने पावर को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने लिए अपने ही रीजनल किंगडम्स में अपनी अपनी जो है एम्पायर जैसा डायनेस्टी को डेवलप करना शुरू करते हैं, अपने स्टेट को डेवलप करना शुरू करते हैं। और उसके साथ ही साथ जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स जो है अपने पावर को असर्ट करते हैं, ठीक उस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, जो दिल्ली जो पहले पावर की सेंटर थी मुगल एम्पायर की, अब दिल्ली जो है अपने डोमिनेंस को अपने कंट्रोल को धीरे धीरे खोते जाती है। और इसके साथ साथ हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया आए, कौन से रूट को फॉलो करके इंडिया आए और औरंगजेब के फरमान के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से वो चेंजेस जो है औरंगजेब के डेथ के बाद में और ज्यादा बढ़ने लगता है और कैसे वो आकर बंगाल में सेंटर बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी सेंटर को विद द टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के पहले एक बार रिकैपिचुलेट करें कि बंगाल के नवाब तो पहले जो है मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में। और अलीवर्दी खान साहब की डेथ के बाद में जब नवाब अलीवर्दी खान उनके डेथ के बाद में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। और ये तीनों ही बंगाल के पावरफुल नवाब थे। अब कंपनी ये सोच रही थी कि भाई कैसे इन नवाबों से छुटकारा मिले, कैसे वो अपने जो है ट्रेड को एक्सपेंड करे, और उन सबके लिए उन्हें क्या चाहिए थी, उन सबके लिए उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए थी एक पपेट रूलर चाहिए थी। तो एक पपेट रूलर वो कैसे बनाए, कैसे जो है अपने हर इच्छा को वो रूलर से मनवाते चले, इन सबके लिए उन्हें एक कमजोर इंसान की जरूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने अब क्या था तो करना शुरू किया था, कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू की थी। और इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत जो है क्लाइव ने की किसके साथ में, विद मीर जाफर। अब ये मीर जाफर कौन थे, मीर जाफर थे द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब्स आर्मी। तो हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला'स आर्मी, तो इट वाज मीर जाफर। तो मीर जाफर को उन्होंने जो है प्रॉमिस किया टू मेक मीर जाफर द नवाब इफ ही हेल्प्ड हिम इन डिफीट सिराजुद्दौला। अगर मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को हरा में अंग्रेजों की मदद करे तो अगला बंगाल का नवाब जो है वो मीर जाफर को बना दिया जाएगा। तो अब क्या था, मीर जाफर को लालच लगी और उसने फायदा उठाया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखते हैं पहले कि नवाब बनने के बाद में सिराजुद्दौला ने कौन सा स्टेप उठाया अंग्रेजों के अगेंस्ट में। Now, steps taken by Sirajuddaula against the British. So, an infuriated Sirajuddaula asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion. यानी उनके डोमिनियन के जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स है उन्होंने उसमें अंग्रेजों को मीडिएशन करने के लिए मना कर दिया। और साथ ही साथ वो जो बहुत ही तेजी से अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे इन्होंने उसको भी रोक दिया और कंपनी से कहा कि भाई आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए, कंपनी इनमें से किसी भी शर्तों को मानने से उसने इनकार कर दिया। तो आफ्टर ऑल नवाब ने क्या किया, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार में जो इंग्लिशों की फैक्ट्री थी वहां पर जो है नवाब अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ पहुंची। वहां जाकर उन्होंने कंपनी ऑफिशियल को कैप्चर किया, वहां के वेयर हाउस को लॉक्ड कर दिया, डिसर्म्ड कर दिया सारे इंग्लिशमैन को एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। और उसके बाद वो कैलकटा की तरफ बढ़े और जाकर कैलकटा को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब अगला स्टेप अंग्रेजों ने क्या लिया, Now, steps taken by the English East India Company. So, when they come to know about the fall of Calcutta, company officials in Madras, they sent forces under the command of whom? Under the command of Robert Clive and reinforced by naval fleets. Now, prolonged negotiations with the Nawab followed and finally in 1757,
रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी एंड एट बैटल ऑफ प्लासी ही डिफीटेड सिराजुद्दौला. सो द रिजल्ट इज दैट द कॉन्सिक्वेंसेस इज दैट दैट इट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी एंड इन बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाई द कंपनीज आर्मी एंड इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया एंड आफ्टर द डेथ दैट At sorry, and after the defeat at Plassey, Sirajuddaula was assassinated. And now, who became the Nawab of Bengal? Mir Jafar now became the new Nawab of Bengal. But he was the first dependent Nawab of Bengal of the British Indian Company, British India Company, or you may call the first पपेट रूलर ऑफ बंगाल वॉज मीर जाफर. तो मीर जाफर जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जिसमें जो है सिराजुद्दौला की हार होती है और इस सिराजुद्दौला के हार के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि मीर जाफर की जो मीर जाफर ने जिस ट्रूप को लीड किया था उस ट्रूप ने जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट में फाइट किया ही नहीं, वॉर लड़ा ही नहीं. तो ऑब्वियसली सिराजुद्दौला की हार थी क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपने मिलिट्री कमांडर इन चीफ के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने क्या है कि गद्दी के लिए सिराजुद्दौला को धोखा दिया और वो बन गए फर्स्ट पपेट रूलर ऑफ बंगाल. लेकिन मिर्जाफर जो है रूलर बनने के बाद में फिर बंगाल की क्या दशा है, क्या कंडीशन होता है बंगाल में, तो आइए पढ़ते हैं. बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. सो द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी जो है अभी एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी. उनका केवल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. लेकिन जो है इस मीन टाइम पे मिर्जाफर ने भी कंपनी को प्रोटेस्ट करना शुरू किया क्योंकि कंपनीज के बहुत सारे इलीगल डिमांड थे जिसको बंगाल के नवाब फुलफिल नहीं कर सकते थे. तो कंपनी ने क्या किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम. अब मिर्जाफर को हटाकर कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया. अब ये मीर कासिम कौन थे, हु वाज मीर कासिम. मीर कासिम वाज मीर जाफर सन इन लॉ. मीर कासिम मीर जाफर के सन इन लॉ थे और उनके प्लेस में मीर जाफर को जो है सॉरी मीर कासिम को 1760 में जो है बंगाल का सेकंड पपेट रूलर बना दिया गया. लेकिन जब व्हेन मीर कासिम आल्सो कंप्लेंड अगेंस्ट द कंपनी रूल ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल ऑफ बक्सर फॉट इन 1764. तो जब मीर कासिम ने फिर से अंग्रेजों का विरोध किया, कंपनी के पॉलिसीज का विरोध किया, उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, तो उन्होंने मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में हराया 1764 में. अब उसके बाद फिर से उन्होंने मीर जाफर को ही नवाब बनाकर बंगाल में फिर से ला दिया. लेकिन अब मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में और तब तक कंपनी जो है इस पपेट रूलर्स के रूल को समझ चुकी थी और अब कंपनी का मूड जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था. नाउ द मूड ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी चेंज. नाउ व्हाट द कंपनी वांटेड, कंपनी क्या चाहती थी ना, कंपनी वांटेड दैट हिज ऑफिशियल्स, उनके ऑफिशियल्स चाहते थे कि किसी भी तरह से अब वो ही अपने आप को नवाब बनाए. एंड दे नाउ प्रिडिक्टेड लाइक अ नवाब आल्सो. अब वो नवाब के जैसा बिहेव भी करने लग गए थे. अब उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंस है एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. तो रॉबर्ट क्लाइव का कंडीशन देखते हैं. तो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया एंड ही कम टू मद्रास और नाउ इन चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 18 एंड व्हेन कम टू इन इंडिया एंड When he left India in 1767, he had a fortune of worth ₹401,102 जो है उनकी जो है worth fortune थी. And he was appointed governor of Bengal in 1764 and he was asked to remove corruption in company administration but he was himself cross-examined in 1772. Student ये है कि जब रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आए 18 साल की उम्र में तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वो 1767 में भारत छोड़ करके वापस जब इंग्लैंड पहुंचे तब उनके पास में मिलियंस ऑफ डॉलर्स, समझ लीजिए उनके बहुत ज्यादा वर्थ इनकम थी जो कि उनके एक्चुअल जो उनकी सैलरी थी उससे कई ज्यादा थी.
और इसके बाद जब 1764 में जब उन्हें इंडिया में रहते हुए बंगाल में रहते हुए उनको जब यहाँ पर करप्शन के लिए जो है पूछा गया कि करप्शन की इंक्वायरी कीजिए सब कुछ कीजिए, तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू किया। लेकिन 1772 पे उन्हीं के अगेंस्ट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन चला ब्रिटिश पार्लियामेंट में, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जो है रॉबर्ट क्लाइव के वेल्थ को लेकर के सस्पिशियस थी कि आखिर इनके पास इतना पैसा कैसे आया। सो ऑल्दो ही वाज एक्वेंटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। खैर रॉबर्ट क्लाइव की जैसे बाकी कंपनी ऑफिशियल्स इतना ज्यादा अपना फॉर्चून नहीं बना पाए थे और ना ही इतना बेनिफिट, वो बहुत सारे जो ऐसे भी थे जिन्हें इतनी ज्यादा बेनिफिट्स नहीं हुई थी। नाउ एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने बहुत सारे नए नए सिस्टम्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। सबसे पहला था रेसिडेंस इन द इंडियन स्टेट्स। सो अब ये रेसिडेंस इन द इंडियन स्टेट्स क्या है? तो रेसिडेंस एक्चुअली पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज रूल, केवल कंपनी के इंटरेस्ट को फुलफिल करना, कंपनी के बेटर के लिए काम करना। एंड थ्रू द रेसिडेंस कंपनी क्या करती थी, कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। कंपनी जो है इंडियन स्टेट्स की इंटरनल अफेयर्स में जो है उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया एंड दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। और ये रेसिडेंट ही डिसाइड करने लगे कि अब भाई जब राजा के डेथ के बाद में उनके गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन दूसरा राजा होगा एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय रेसिडेंट्स ओनली। एंड सेकंड स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय द कंपनी दैट वाज द सब्सिडियरी अलायंस। एंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेसली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। And what is this subsidiary alliance? So according to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. यानी subsidiary alliance के मतलब क्या है, जिसे हिंदी में हम सहायक संधि कहते हैं, इसके अंतर्गत ये था कि अब Indian rulers अपनी independent armed forces नहीं रखेगी। They were to be protected by whom? They were to be protected by the company's army, but had to pay for their subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of the protection of that particular empire or that particular dynasty or that particular state. So that's why the state has to pay for the subsidiary forces. But if the Indian rulers fail to make the payment, लेकिन अगर Indian rulers जो है subsidiary forces के लिए payment नहीं दे पाएगी, then the part of their territory was taken away as penalty. तो उनका जो territory था part of territory यानी territory का कुछ हिस्सा penalty के रूप में ले लिया जाएगा. For example, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801, जो कि इसका सबसे बड़ा example है. Is a new policy initiated under Lord Hastings, Governor General from when? From 1813 to 1823. And now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of the Indian state. Yani, ab Indian state ko hum free puri tarah se nahi kar sakte hain. Indian state mein raja honge, sab kuch honge, princely states honge. Lekin us princely state ka raja jo hai, usko kiski superiority ko manna padega? They have to accept the supreme power of the English East India Company. Now this system started by the English East India Company under the rulership, under the leadership of Lord Warren Hastings, the Governor General from 1813 to 1823. Now, the doctrine of Labs. The doctrine of Labs, it was initiated by Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. So the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. यानी doctrine ने ये declare किया कि अगर एक Indian ruler बिना अपने legal heir यानी खुद के बच्चे के बिना अगर उनकी death होती है तो उनका adopted बच्चा जो है वो राजा नहीं बनेगा, उसकी kingdom जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, would lapse and that is become the part of company territory. And this is the next step, how to capture the territory और किस तरह से उस पर अपना political
पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जनरेट करेगी, ये नया रास्ता अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था। और इसके बाद एक के बाद एक करके एक एक टेरिटरी को एनेक्स कर लिया गया, जिनमें से सतारा को 1848 में कैप्चर किया गया, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर को 1853 में कैप्चर कर लिया गया एंड झांसी इन 1854। एंड इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, अवध को भी कंपनी ने अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैप्चर कर लिया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैसूर टीपू सुल्तान के जो कहाँ के सुल्तान थे, ही वाज द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड मैसूर बिकम वेरी पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ होम, अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर ऑफ टीपू सुल्तान वाज हैदर अली। हैदर अली के रूल में मैसूर जो है बहुत ही पावरफुल एक स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ। हैदर अली रूल फ्रॉम व्हेन, रूल फ्रॉम 1761 टू 1782 एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल फ्रॉम 1782 टू 1799 एंड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। सो द मालाबार कोस्ट जो है हमारे, अगर इंडिया का इस तरह से आप मैप देखें तो ये है आपका केरला, ये आपका हो गया मैसूर स्टेट, तो ये आपका हो गया मालाबार कोस्ट। तो इस मालाबार कोस्ट को कौन कंट्रोल करता था, दिस मालाबार कोस्ट वाज कंट्रोल्ड बाय मैसूर स्टेट एंड हु वाज द रूलर, रूलर वाज हैदर अली। सो फ्रॉम वेयर द कंपनी परचेस पेपर एंड कार्डमन, तो यहाँ से कंपनी क्या परचेस करती थी, मालाबार कोस्ट से पेपर एंड कार्डमन को परचेस करती थी। लेकिन अब यहाँ पर हैदर अली ने इंटरफेयर करना शुरू किया। So in 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. So the close relationship, तो कंपनी के अगेंस्ट में तो टीपू सुल्तान ने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन एट दैट टाइम देयर वर आल्सो सम अदर फ्रेंच कंपनीज, सॉरी यूरोपियन कंपनीज वर देयर इन इंडिया, अमंग देम फ्रेंच वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्रेंच हैव अ गुड रिलेशंस विद टीपू सुल्तान एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेंच आर्मी विद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान मॉडर्नाइज हिज आर्मी। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया फ्रेंच की हेल्प से। Now the Anglo-Mysore War. Anglo-Mysore War. There were four wars between Mysore State and Anglo means East India Company. So the first from 1764 to 1769 fought between whom? Fought between Hyder Ali and the British. But it was won by Hyder Ali. So Hyder Ali ne first Anglo-Mysore War ko win kiya. और उसके बाद सेकेंड जो हुआ, इट वॉज ऑल्सो फॉट बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश, बट दिस टाइम हैदर अली लॉस्ट द वार। एंड द थर्ड वार वॉज बिटवीन 1789 टू 1792 बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश एंड टीपू ऑफर्ड अ टफ फाइट बट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रोलॉन्ग द स्ट्रगल साइन द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ऑन मार्च 1792। तो टीपू सुल्तान के साथ में थर्ड वार होता है मैसूर एंग्लो वार, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में होता है। टीपू सुल्तान जो है वो बहुत ही टफ फाइट देते हैं अंग्रेजों को, लेकिन जो है वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है अंग्रेजों के साथ साइन करनी पड़ती है। और ये कब साइन होती है, मार्च 1792 में। अब उसके बाद फोर्थ विच वॉज 1798 टू 1799, तो 1798 में फोर्थ एंग्लो-मैसूर वार होता है, अगेन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश फॉट, बट दिस टाइम इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री, टीपू सुल्तान डाइड डिफीटिंग हिज कैपिटल। तो इस समय जो टीपू सुल्तान जो है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते करते जो है उनकी डेथ हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पावरफुल रूलर आफ्टर मैसूर स्टेट देयर वर मराठास, तो मराठास एंड द ब्रिटिश। तो देयर वर थ्री एंग्लो मराठा वार्स फॉट बिटवीन 1775 एंड 1818। सो इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाय, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है वो कब खत्म होती है, 1782 में खत्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ सालबाय एंड देयर वर नो क्लियर विक्टर, यानी कोई क्लियर विक्टर नहीं था, ना मराठास विनर थे और ना ही ब्रिटिशर्स विनर थे। एंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वार विच वॉज फॉट बिटवीन 1803 एंड 1805 एंड इट वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग फ्रंट से लड़ाई लड़ी
गए, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, और इसमें ब्रिटिश ने ओडिशा को गेन कर लिया। एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, यानी आगरा और दिल्ली इसको भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। और फाइनली इन द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817-19 क्रस्ट मराठा पावर, यानी मराठा पावर जो कि मराठाओं को लगता था ऐसे कि मुगलों के बाद वही पावरफुल होंगे, लेकिन इस मराठा पावर को भी अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये कब खत्म होता है? ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार। एंड द पेशवा जो है मराठास के, जो पेशवा वाज द हेड ऑफ द एम्पायर, मराठा एम्पायर के, सो द पेशवा वाज रिमूव एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन, एंड द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्यास के साउथ की जितनी भी टेरिटरीज थी उस पर कंपनी का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेड से टेरिटरी के तरफ में ये चलता जा रहा है, और पूरे भारत को फिर अंग्रेजों ने अपने कैप्चर में कर लिया। नाउ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स के अंडर में न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले प्रेसिडेंसीज। सो ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो प्रेसिडेंसीज क्या है? दीज आर एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम दैट वर दीज वर कॉल्ड द प्रेसिडेंसीज। तो ब्रिटिश टेरिटरीज जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड की गई थी उन्हें प्रेसिडेंसीज कहते थे, कहा जाता था। एंड देयर वर हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज? देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो दीज वर द 3 डिफरेंट प्रेसिडेंसीज। एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। एंड हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। नाउ जुडिशियल सिस्टम। सो फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश। 1772 से एक नया जस्टिस का सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया गया। नाउ ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे आप फौजदारी अदालत भी कह सकते हैं, एंड अ सिविल कोर्ट विच वॉज ऑल्सो नोन एज दीवानी अदालत। नाउ मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ होम, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। नाउ चेंजेस इन द कंपनी आर्मी। तो कंपनी आर्मी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हुई। जो पहले की जो आर्मी थी मुगल एम्पायर की आर्मी, खास करके पैदल उसमें लोग होते थे, सवार घुड़सवार होते थे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अपने जमींदार या अपने जो सूबेदार इन सब के ऊपर, गवर्नर्स के ऊपर जो है मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड होती थी। लेकिन अब कंपनी ने जो है अपने लिए आर्मी के को खुद ही रिक्रूट करना शुरू किया था। एक मेजर चेंज आया क्योंकि अब वार सिस्टम चेंज हो रहा था, तो कंपनी को अपने खुद की रिक्रूटेड आर्मी चाहिए थी, और जिसे क्या नाम दिया गया, विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी। सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना शुरू किया भारत में। एंड सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, यानी सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देनी थी, ड्रिल एंड डिसिप्लिन, एंड दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। और उसके साथ साथ उनके जो भारत के जो लोगों को जिनको रिक्रूट किया गया सिपॉयज में, उनके लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे, उनकी ट्रेनिंग जो दी जाने लगी, उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया गया, उनको गन से लेकर हर चीज चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel.